हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण मानको स्वागत करछि वर्तमान रो ए वीडियो रे जे वीडियो रहिछि 50 टी कंप्यूटर मॉक ऊपर रहिछि जोंतरे कि आपण मानको देखबा को मिलिबो एमिति क्वेश्चन जहा के सब परीक्षा रे आसु अछि तेनु करी ओएससीपी आईआरबी एग्जाम पई जदि आपण माने प्रिपरेशन करछंती एई जिके भी आपण मानको हेल्पफुल रहिबो नियत रूपे वीडियो को सस जाय वाच करंतु जहा द्वारा के आपण माने एई मॉक टेस्ट को देई भी पारिबे आपण मानक सामना रे टेस्ट हिसाब रे आसी जबो म आपण मानक गोटे लिंक शेयर कर देबे से लिंक रे क्लिक करके आपण माने मॉक टेस्ट भी देई पारिबे केमिति कोन रहिबो ताको शेष प्रजा रे कहिबी त लोग जानि रखिबा एई 50 टी कंप्यूटर मॉक टेस्ट उपरे किंतु ता पूर्व आपण मानक कहि रखिबी जदि आपण माने वर्तमान समय सुधा आमर आईआरबी ओएसपी रो फुल टेस्ट सीरीज को जॉइन करना आंती ताल नियत रूपे जॉइन करंतु मात्र 51 टका आपण मानक मिलुची 10 टी फुल टेस्ट आईआरबी ओएसपी मॉक सीरीज जोथरु की 6टा मॉक सीरीज आमे प्रोवाइड कर दिछु आमर टेलीग्राम चैनल रे जदि जॉइन करना ते निहात रूपे जॉइन करंतु आज जॉइन करले आपण माने नुवा अपडेट रे 6टी मॉक टेस्ट पाई परबे एवं आसंता काली आपण मानकर आउ गुटी मॉक टेस्ट आड हेतु जोटा की 7 नंबर मॉक टेस्ट जदि जॉइन करबो चाहौचंती ए जो नंबर प्रोवाइड करा जाछि 7205128747 ए नंबर ए मेसेज करंतु आपण को आमे बतै दबो केमिति कोन आपण माने जॉइन करबे तबे चालों तो देखिबा कोन से अपडेट रहिछि जीके टेस्ट उपरे जेतेबेले आपन मानको मु गोटे कहि रखिबे केमिति कोन ए जागा को आसीबे देखंतु सर्वप्रथम आपन मानको एमिति गोटे स्क्रीन देखा जइबो जोटे क्लिक करिबे आपन माने एबो एठी देखंतु आपन मानकर टाइमिंग चालुछि एठी 50 टी मॉक टेस्ट रहिछि जहा को आमे कंप्लीट करिबा एठी देखंतु फुल स्क्रीन मोड रहिछि जदि आपन माने एठी क्लिक कर दोछंती आपन मानकर फुल स्क्रीन मोड एक्टिव हे जइबो एबो एई फुल स्क्रीन मोड रे आपन मान कंप्यूटर रे जेन परीक्षा दियंती से भले आपन माने एठी परीक्षा देई परबे तबे देखंतु प्रथम प्रश्न कोन रहिछि व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर एचटीटीपी रो फुल फॉर्म कोन अटे बस ई क्वेश्चन पचारिछि परीक्षा रे एई भली क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आसीबो जोटा पिला भी भूल कर दियंती कोन ऑप्शन गुडी को रहिछि देखंतु हाइपर ट्रांसफर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो थे कि एति मते सटीक उत्तर टी कोन रहबो आपन जे जानिथिबे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिबे नचत मु आपन मन को आंसर कहि रखुछि देखंतु हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपन मन जेतेबे क्लिक करिबे आपन मन को सटीक उत्तर होइतिले एमति ग्रीन सिंबल आसी जइबो जदि रॉन्ग आंसर होइतबो ताले रेड सिंबल आसीबो एवं सटीक उत्तर टी जोटा होइतबो सेटा देखै देबो त एई भली आपन को प्रोसीजर रहइबो तो HTTP रो फुल फॉर्म कोन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो नेक्स्ट ऊपर आपन क्लिक करबे नेक्स्ट ऊपर आपरे आसीले आपन मनकर नेक्स्ट क्वेश्चन आसी जिवो व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली ठीक अछि व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली केउ डिवाइस टी डाटा को परमानेंटली स्टोर करि पारे तो ऑप्शन कोन रहै छै कोनतु ऑप्शन रे राम चेच रोम हार्ड डिस्क तो सटीक उत्तर टी कोन रहबो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जोटा कि हार्ड डिस्क परमानेंटली डाटा को स्टोर कर पारे डिवाइस रे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर कंप्यूटर द्वारा केउ लैंग्वेज टी डायरेक्टली अंडरस्टूड माने बुझी होई थाए ऑप्शन ए रे जावा बी रे मशीन लैंग्वेज सी रे असेंबली लैंग्वेज डी रे C++ तबे एरु सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज जोटा कि कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली बुझी होई थाए नेक्स्ट प्रश्न व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी यूएसबी रो फुल फॉर्म कोन अटे इजी रहिछ क्वेश्चन एबुली क्वेश्चन आपन मानकर परीक्षा निहात रूपे देखबा मिलिबो प्रथम ऑप्शन रहिछ यूनिवर्सल सीरियल बस तापरटा रहिछ यूनिवर्सल सिस्टम बस से थर्ड रहिछ यूनिक सीरियल बस फोर्थ रहिछ यूनिफॉर्म सिस्टम बस एथि मध्यरो सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस जोटा कि यूएसबी रो फुल फॉर्म अटे पांच नंबर प्रश्न व्हाट डज जीयूआई स्टैंड्स फॉर जीयूआई रो फुल फॉर्म कोन अटे चलो देखियो ऑप्शन कोन रहिछ ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस जनरल यूटिलिटी इंटरफेस जनरल यूजर इंटरफेस ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तबे एथि मध्यरो सटीक उत्तर टी कोन रहूछि ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर टी कोन रहबो जीयूआई रो फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल एथि मध्यरो केउटी ईमेल प्रोटोकॉल रो एग्जांपल अटे तो ऑप्शन गुड रहिछि ए रे एफटीपी बी रे एचटीएमएल सी रे एसएमटीपी डी रे एचटीटीपी तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर कोन रहबो ऑप्शन सी
एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जोटा कि आपन मानकर ईमेल प्रोटोकॉल रो एग्जांपल अटे। नेक्स्ट आपन मानकर देखंतु एटी टाइमिंग चलीची मात्र 50 टी क्वेश्चन कि मु एटी 25 सेकंड दे 25 मिनिट देची आपन मानकर एंत टाइम चलीबो तार भीतर आपन मानकु एग्जाम दबा पड़ो ए जो टेस्ट दबा पड़ो एटी 7 टी क्वेश्चन हम कॉलेबल देखे दोची आपन मानकर भी सेमते देखेबो आपन जेतरा क्वेश्चन करबी से देखेबो। देखंतु व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपीइंग सिलेक्टेड टेक्स्ट सिलेक्ट टेस्ट को सिलेक्ट करिया बा सिलेक्ट होई की कॉपी करिबा को केउ शॉर्टकट की यूज करा जाए। ऑप्शन ए रे रहची कंट्रोल प्लस सी, बी रे रहची कंट्रोल प्लस जेड, डी सी रे रहची कंट्रोल प्लस एक्स, डी रे रहची कंट्रोल प्लस वी। तो प्रथम ऑप्शन टी ऑप्शन ए दुटा कंट्रोल प्लस सी सेटा को सिलेक्टेड टेस्ट को कॉपी करिबा को शॉर्टकट भाबे यूज करा जाए। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन पर्पोज ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम, गोटे एंटीवायरस प्रोग्राम रो मेन पर्पोज कौन होता है। ऑप्शन गुड़ देखो ए रे मैनेज फाइल्स, बी रे एनहांस ग्राफिक्स, सी रे डायरेक्ट एंड सॉरी डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस, डी रे रहउची स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स एतम सटीक उत्तर देबो ऑप्शन सी डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरस। गोटे एंटीवायरस प्रोग्राम रो एक्चुअली काम होला वायरस को डिटेक्ट करिवो एवं ताकु रिमूव करिवो। परवर्त प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क, एतिमध्यर केमटी गोटे नेटवर्क रो टाइप अटे। ऑप्शन गुड रहछ 1 मैन लैन। तो फ्रेंड्स एर सटीक उत्तर रहबो ऑल ऑफ दोज, सब उत्तर गोटे गोटे नेटवर्क टाइप अटंती। परवर्त प्रश्न को जीवा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बीआईओएस, BIOS जोटा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहुचि तार मेन फंक्शन कौन अटे। ऑप्शन रहिचि ए रे टू प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस, बी रे टू इनिशियलाइज एंड टेस्ट द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सी रे रहुचि टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शंस, डी रे रहुचि टू मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी। तबे एथि सटीक उत्तर रहबा ऑप्शन बी टू इनिशियलाइज एंड टेस्ट द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट जोटा कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रो मेन फंक्शन अटे। परवर्त प्रश्न को जीवा देखंतु 11 नंबर प्रश्न कोन रहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, एति मध्यर केउटी एक आउटपुट डिवाइस अटे एग्जांपल अटे आउटपुट डिवाइस रो। ऑप्शन रहछि मॉनिटर माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो फ्रेंड्स एति मध्य सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन ए मॉनिटर जोटा कि विजुअलाइजेशन रे काम रे आसे जोथरे कि हम देखु से गोटे आउटपुट मटेरियल कंप्यूटर तरफ आउटपुट मटेरियल जोटा आउटपुट डिवाइस रे काम करा जाए। तो बुझि पालो कोटा एक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज वोलाटाइल, तो फ्रेंड्स ऑप्शन भितर कोन रहउछि केउ मेमोरी टी वोलाटाइल मेमोरी अटे। देखंतु ऑप्शन कोन रहछि रैम रोम एसएसडी हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स एति मध्ये सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन ए रैम जोटा कि एक वोलाटाइल मेमोरी अटे। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, एति मध्ये केउटी एक सर्च इंजन अटे। ऑप्शन रहिछि ए रे एक्सेल, बी रे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी रे विंडोज, डी रे गूगल। तो फ्रेंड्स एति मध्ये कोटा सर्च इंजन अटे ऑप्शन डी जोटा कि गूगल अटे एक सर्च इंजन जोथरे कि आमे इनपुट दू जोथरे सर्च है कि डिटेल्स डाटा क्रिएट करे। 14 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एति मध्ये केमटी गोटे उदाहरण अटे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर रो। ऑप्शन रहिची माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी रे रहिची मोजिला फायरफॉक्स, सी रे रहिची अडोबी फोटोशॉप, डी रे रहिची माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स एहर सटीक उत्तर टी कोन रहइबो आपन मन पई जोटा कि आपन मनकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन ए एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अटे जार एग्जांपल होची माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। परवर्ती प्रश्न व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर, एति मध्यरु पीडीएफ रो फुल फॉर्म केमटी अटे। ऑप्शन ए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स एति मध्य सटीक उत्तर रहइबो ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलते जीवा 16 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एति मध्यरु केउटी एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अटे। ऑप्शन ए लिनक्स, बी फेसबुक, सी विंडोज, डी ओरेकल। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन बी जोटा कि फेसबुक एक फेमस सोशल
मीडिया प्लाटफर्म अटे। नेक्स्ट दिवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मैलवेयर एतिमध्यर केउटी एको मैलवेयर अटे। ऑप्शन रहिजी कौन देखंतु वायरस ट्रोजन हॉर्स वर्म। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑल ऑफ दिस जोटा कि संपूर्ण रूपे तीनोटी जाको गोटे गोटे मैलवेयर बा वायरस रो उदाहरण अटंती। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल एतिमध्यर फायरवॉल रो फंक्शन टी कौन अटे। देखंतु ऑप्शन रहिजी टू मैनेज फाइल्स बी रे टू प्रोटेक्ट against understood access to speed of the computer to enhance graphics। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन बी जोटा कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस गोटे फायरवॉल रो काम आपन पई टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न हो जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट एति मध्यर केउटी बा केउ डिवाइस टी इंटरनेट कनेक्शन करिबारे सहाय्य करे। ऑप्शन ए स्कैनर बी रे कीबोर्ड सी रे प्रिंटर डी रे राउटर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी जोटा कि सटीक उत्तर रहबो राउटर जोटा कि इंटरनेट कनेक्शन रे सहाय्य करथाय। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस एतिमध्यर केउटी एक इनपुट डिवाइस अटे। देखंतु एठी आपनकर ऑप्शन रहिछि ए रे मॉनिटर बी रे कीबोर्ड सी रे स्पीकर डी रे प्रिंटर। फ्रेंड्स एतिमध्यर आपन मानकर केउटा गुटे इनपुट डिवाइस तो ऑप्शन बी कीबोर्ड जोथरे कि हमें इनपुट दोचे सेटा को इनपुट डिवाइस हेता है। तो सेति उदाहरण रु कीबोर्ड होचि गोटे इनपुट डिवाइस। परवर्ती प्रश्न है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्लायर एति मध्ये कंप्लायर रो मेन फंक्शन कोन अटे। ऑप्शन रहिछि टू कनेक्ट द इंटरनेट बी रे टू मैनेज मेमोरी सी रे टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड डी रे टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन सी गोटे कंप्लायर रो काम होची टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जीवा देखंतु प्रश्न कोन रहछि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एति मध्यर केउटी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रो मेन पर्पस अटे। देखंतु प्रथम ऑप्शन कोन रहछि टू मैनेज डाटा बी रे रहिछु ब्राउज द इंटरनेट सी रे रहिछु एडिट इमेजेस डी रे रहिछु क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन ए टू मैनेज डाटा। परवर्ती प्रश्न व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर सीपीयू रो फुल फॉर्म कोन अटे एति मध्यर ऑप्शन रहिछि ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट बी रे रहिछि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी रे रहिछि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट डी रे रहिछि कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जोटा कि कंप्यूटर बा सीपीयू रो फुल फॉर्म अटे। परवर्ती प्रश्न देखंतु 24 नंबर व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर एसक्यूएल रो फुल फॉर्म कोन अटे। देखंतु एटी ऑप्शन रहिछि सिक्वेंशनल क्वेरी लैंग्वेज बी रे रहिछि सिंपल क्वेरी लैंग्वेज सी रे रहिछि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज डी रे रहिछि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन डी SQL रो फुल फॉर्म होची स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। परवर्ती प्रश्न को जीवा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक अछि ऑप्शन गुड़ का कौन देखंतु ऑपरेटिंग सिस्टम रो मेन पर्पस कौन अटे टू ब्राउज द इंटरनेट बी रे टू परफॉर्म कैलकुलेशन सी रे टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट डी रे टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन डी टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिसोर्सेस जोटा कि गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो मेन पर्पस अटे। परवर्ती प्रश्न व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर इन आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस रे जो आईपी रहिची तार फुल फॉर्म कोन अटे। ऑप्शन इंटरनल प्रोटोकॉल बी रे इंटरनल प्रोग्राम सी रे इंटरनेट प्रोटोकॉल डी रे इंटरनेट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन सी जोटा कि आईपी रो फुल फॉर्म अटे इंटरनेट प्रोटोकॉल। 27 नंबर प्रश्न व्हाट डज वीपीएन स्टैंड्स फॉर माने वीपीएन रो फुल फॉर्म कोन अटे। ऑप्शन रहिछि वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क बी रे रहिछि वर्चुअल प्रोटेक्टेड नेटवर्क सी रे रहिछि वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क डी रे रहिछि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो फ्रेंड्स एति मध्यरु सटीक उत्तर रहिछि वीपीएन रो फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जोटा कि ऑप्शन डी सटीक उत्तर अटे। 28 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एति मध्यर केउटी एको सिस्टम सॉफ्टवेयर रो एग्जांपल अटे।
ऑप्शन रही Adobe Photoshop, बी रे रही Google Chrome, सी रे रही Microsoft Word, डी रे रही Windows OS। तो फ्रेंड्स एही मध्ये सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन डी Windows OS, जोटा कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रो एग्जांपल अटे। 29 नंबर प्रश्न देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, एति मध्ये केमटी एक स्टोरेज डिवाइस अटे। ऑप्शन माउस, बी रे मॉनिटर, सी रे हार्ड ड्राइव, डी रे कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन सी, जोटा कि एक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस अटे। परवर्ती प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल रो फुल फॉर्म कोन अटे, यूआरएल एति मध्ये केमटी यूआरएल रो फुल फॉर्म अटे। ऑप्शन ए रे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी रे यूनिवर्सल रिट्रीवल लोकेटर, सी रे यूनिफॉर्म रिट्रीवल लोकेटर, डी रे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जोटा कि यूआरएल रो फुल फॉर्म अटे। परवर्ती प्रश्न को जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एति मध्ये केउटी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अटे। ऑप्शन ए विंडोज, बी रे मैकोस मैक ओएस, सी रे लिनक्स, डी रे आईओएस। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर रहबा ऑप्शन सी, जोटा कि एक ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अटे। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, एति मध्ये केउटी एक वेब ब्राउजर अटे। ऑप्शन रही देखंतु, ऑप्शन ए मोजिला फायरफॉक्स, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी एडोबी एक्रोबैट, डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स एति मध्ये सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन ए मोजिला फायरफॉक्स, जोटा कि एक वेब ब्राउजर रो उदाहरण अटे। 33 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एति मध्ये केउटी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी अटे। तो फ्रेंड्स देखंतु, ऑप्शन रही हार्ड डिस्क, रोम, चेज, राम। तो फ्रेंड्स 33 नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन रही, ऑप्शन बी, जोटा कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी अटे, रोम होची एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी अटे। परवर्ती प्रश्न को जीवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक अछि एति मध्ये केउटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नुहे। ऑप्शन ओराकल, बी लिनक्स, सी विंडोज, डी मैक ओएस। तो फ्रेंड्स एति मध्ये सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन ए ओराकल, जोटा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम रो उदाहरण नुहे। परवर्ती प्रश्न 35 नंबर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, एति मध्ये किए होचंती कंप्यूटर रो जनक। ऑप्शन जेम्स गोसलिंग, बी चार्ल्स बाबेज, सी डेनिस रिच, डी ब्रेंज सटॉप्स, जोटा कि एति मध्ये सटीक रहबो आपन मानकर ऑप्शन बी चार्ल्स बाबेज, जे कि कंप्यूटर रो जनक अटंती। परवर्ती प्रश्न 36 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, एति मध्ये केउटी एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट पाए। ऑप्शन सी प्लस प्लस, बी रे जावास्क्रिप्ट, सी रे पाइथन, डी रे कोबल। तो फ्रेंड्स यार सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, जोटा कि एक वेब डेवलपमेंट पाए पॉपुलर प्रोग्राम लैंग्वेज अटे। 37 नंबर प्रश्न देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एति मध्ये केउटी को कंप्यूटर रो ब्रेन बोली कुआ जाय। ऑप्शन रहिला फ्रेंड्स देखंतु, ऑप्शन जे हार्ड ड्राइव, सीपीयू, राम, मदरबोर्ड। तो फ्रेंड्स एति मध्ये सटीक उत्तर रहउची ऑप्शन बी सीपीयू, जोटा को कंप्यूटर रो मदरबोर्ड बोली कुआ जाय, बा कंप्यूटर ब्रेन सॉरी कंप्यूटर ब्रेन बोली कुआ जाय सीपीयू को। परवर्ती प्रश्न देखंतु, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर, एसएसडी रो फुल फॉर्म कोन अटे। तो फ्रेंड्स एटी चारोटी ऑप्शन रहिची, कोन रहिची सुपर स्पीड ड्राइव, सोर्स स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड टेस्ट ड्राइव, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस। सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन सी सॉलिड टेस्ट ड्राइव, जोटा कि एसएसडी रो फुल फॉर्म अटे। परवर्ती प्रश्न, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द राउटर, राउटर रो मुख्य काम कोन। ऑप्शन रहिची टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, टू मैनेज फाइल्स, टू डिस्प्ले इमेजेस, टू स्टोर डाटा। तो सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन ए टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, जोटा कि राउटर रो एक्चुअली काम इंटरनेट कनेक्शन पे व्यवहार करा जाय। 40 नंबर प्रश्न, व्हाट डज राम आर ए एम स्टैंड्स फॉर, एति मध्ये राम रो फुल फॉर्म कोन अटे। ऑप्शन रैपिड एक्सेस मेमोरी, बी रे रैपिडली अवेलेबल मेमोरी सॉरी रीडली अवेलेबल मेमोरी, सी रे रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रे रीड एक्सेस मेमोरी। तो सटीक उत्तर रहबो ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ
ମାଲିସିୟସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମାଲିସିୟସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ଅପସନ୍ ରାଉଟର ଫାୟାରୱାଲ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସ୍ପାଇୱେୟାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପାଇୱେୟାର ଏକ ମାଲିସିୟସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ସ ଫର୍ ଡିଏନ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ ଡାଟା ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଡୋମିନ୍ ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଡୋମିନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜିଟାଲ ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭିସ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ଡିଏନ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡୋମିନ୍ ନେମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1 KB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇଟ୍ସ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ କିଲୋ ବାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି କେତେ ବାଇଟ୍ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖୁଥିବେ 1024 ବାଇଟ୍ 1026 ବାଇଟ୍ 1200 ବାଇଟ୍ସ 1000 ବାଇଟ୍ସ ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଏକ କିଲୋ ବାଇଟ୍ 1024 ବାଇଟ୍ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଏଲ୍ୟୁ ଏଏଲ୍ୟୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ ସରି ଏଏଲ୍ୟୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କ'ଣ ଅଟେ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଡିରେ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ସି ଏଏଲ୍ୟୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ହେଲା ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଡବଲ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ସବୁତକ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆବୋଭ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦଜ୍ ସବୁତକ ପ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଲ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଅଟନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 46 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଡାଟା ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାଇଟ୍ ମେଗାବାଇଟ୍ କିଲୋବାଇଟ୍ ବିଟ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ବିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ ଡାଟା ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏସ୍ଏମ୍ଟିପି ବିରେ ଏଫ୍ଟିପି ସିରେ ଏସ୍ଟିଟିପି ଡିରେ ଏସ୍ଟିଏମ୍ଏଲ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁଟାକି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଉଜ୍ ୟୁଜର୍ ଟୁ ରନ୍ ଦ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫର୍ ଫ୍ରି ଏଠି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜର୍କୁ ଆଲାଉ କରେ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର ୱେୟାର କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରୀ ଡିରେ ଫ୍ରି ୱେୟାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଫ୍ରି ୱେୟାର ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡି ଯିଏକି ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ଆଲାଉ କରେ ୟୁଜର୍କୁ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଡାଟାବେସ୍ର ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ ଅଟେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସି ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଯାହା ଠିକ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଦେଖାଇଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବେ ବାସ୍ ଏମିତି ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖାଇଦେବ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ଯଦି କୌଣସି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବେ ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେୟାର କଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 50 ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଠିକ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।